अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इमरान शम्स मेमन। मोजिज नाजरीन, आज जो हम फार्मूलेशन बना रहे हैं वो सॉप नूडल जो है वो मेरी खुद की बनाई हुई है, जो कि मैं 250 रुपये फी किलो बेच रहा हूं। तो ये सॉप नूडल मैंने एक टप में डाला हुआ है और उसमें मैंने जो ना टेलकम मैंने ऐड कर दिया है 1 किलो। तो ये आपके सामने मेरी अपनी सॉप नूडल है, इसका आप मॉइस्चर देख सकते हो और ये 78 TFM की नूडल है और बेहतरीन नूडल है। आज के महंगाई के दौर में मैं बहुत सस्ती नूडल आप लोगों के लिए लाया हूँ और उसी नूडल का आज मैं फार्मूलेशन शेयर कर रहा हूँ। मैं तो 100 kg की फार्मूलेशन बनाता हूँ, बहरहाल मैं यहाँ पे सिर्फ 25 kg की फार्मूलेशन आप लोगों के खिदमत में मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो सॉप नूडल मैंने 25 किलो उठाया है, उसमें मैंने 1 किलो टेलकम पाउडर पहले से ऐड किया हुआ है, क्योंकि टेलकम पाउडर मेरा बाहर पड़ा हुआ था। अभी ये मैं इसमें 100 ग्राम PG इसमें ऐड करूँगा। तो ये मैं 100 ग्राम PG ऐड किया है, इसमें तोल लिया है। मौजूद नाजरीन, जो नए व्यूअर्स मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और ये 100 ग्राम में ग्लिसरीन भी इसमें शामिल कर रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि जो बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ वो आपके लिए बहुत मुफीद है। तो अभी ये कंडीशनर में शामिल कर रहा हूँ इसमें 250 ग्राम, 250 ग्राम कंडीशनर और 100 ग्राम PG, 100 ग्राम ग्लिसरीन। नाउ SLS मैं ऐड कर रहा हूँ 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम SLS में इसी में ऐड कर रहा हूँ। अभी मैं कैसे ये मटेरियल बनाऊँगा वो आपको अच्छी तरह वॉच करना है और समझना है। बगैर मिक्सिंग के आज मैं जो है ना आप मिक्सर के आपको माल बनवा के दिखा रहा हूँ। तो अभी इसमें मैं 20 ग्राम ये कलर में ऐड कर रहा हूँ, मैं येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लेमन साबुन बनाना है। अभी इस सारे मिक्सचर को आप अच्छी तरह शेक कर लें, इसको किसी भी चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। PG, ग्लिसरीन, कंडीशनर, SLS, कलर, ये सारा एक आप किसी बर्तन में अच्छी तरह इसका पेस्ट जो है ना वो बना लें। तो पेस्ट बनाने के बाद जो नूडल हमने निकाली थी 25 किलो और 1 किलो टेलकम पाउडर नूडल में डाला था, उसमें आप ये ऊपर से आप इसको डाल दें, ये सारा मिक्सचर जितना भी पेस्ट आपने बनाया है ना वो इसमें आप ऐड कर लो, शामिल कर लो। मौजूद नाजरीन, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ वो आपको सिखा भी रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी तरह आप नहीं देखोगे, स्किप करोगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, मेरा भाई कुछ भी नहीं रहेगा। अभी ये मैं प्लॉटर स्टार्ट किया है, तो इसमें जो टप में जो हमने नोडल टेलकम पाउडर PG ग्लिसरीन का इसका मिक्सचर डाला था वो हम इसमें डाल रहे हैं प्लॉटर में, और इसमें मोटी जाली लगा रहे हैं पहले राउंड में। आज की फार्मूलेशन में आपको मच्छर जाली लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मच्छर जाली मैंने पहले से नूडल में लगा के रखी हुई है, तो आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं सिलिकेट कैसे मिक्स करूँगा वो भी मैं आपको एक नया अंदाज़ है, उस नए अंदाज से मैं आपको सिलिकेट लगाना सिखाऊँगा। तो ये पहला राउंड मेरा चल रहा है, जिसको हम मोटी जाली जो हम लगा रहे हैं थिक नेट जो ना वो आप लगा के इसको आप इसका राउंड निकाल लें। तो अभी ये माल हमारा चल रहा है और ये नूडल मेरी अपनी बनाई हुई है, जिसमें जो है ना 50% चिकन फैट है और 40% पाम कर्नल ऑयल है और 10% कोकोनट ऑयल है। तो ये 90-10 का फार्मूलेशन है और 250 रुपये किलो में बेच रहा हूँ। किसी भी भाई को अगर नूडल चाहिए वो मुझे ऑर्डर दे सकता है, तो मैं उसको जिसे वो पेमेंट लगाएगा मैं उसको बिल्टी लगा दूँगा। तो ये पहला राउंड आपके सामने चल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त एक क्लास का ये साबुन बन रहा है। ये इसमें फिलर भी मैंने कम डाला है। अभी ये मैं स्लीकर लगा रहा हूँ राउंड 2, मोटी जाली लगा के ही। अभी वो जो पहले राउंड वाला जो माल निकाला था उसको हम रिपीट करेंगे
और थोड़ा थोड़ा वो डालेंगे और थोड़ा थोड़ा हम सिलिकेट लगाएंगे। और मैं सिलिकेट इसमें लगा रहा हूँ 6 किलो सिर्फ, ज़्यादा आज नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये आउट क्लास की फार्मूलेशन है, अच्छा साबुन है, कम फिलर वाला है। किसी पार्टी का आर्डर था उसका मैंने ये माल बना रहा हूँ कम फिलर वाला। तो आप देख लें, अगर आप 10 किलो लगाना चाहते हो फिलर तो वो भी लग जाएगा इस नूडल में, कोई इशू नहीं है। तो ये सिलिकेट मैंने 6 किलो तोल के मोटे वाला 50 डिग्री सिलिकेट में यूज़ कर रहा हूँ, उसके छोटे छोटे पीसेस करके हॉपर में डाल रहा हूँ, थोड़ा सा माल वो मटेरियल डाल रहा हूँ और थोड़ा सा सिलिकेट, आहिस्ता आहिस्ता ये मिक्स होता और यहाँ से निकल जाएगा बाहर। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, मैं बार बार रिपीट आपको ये कर रहा हूँ कि आप बराए मेहरबानी वीडियो को अच्छी तरह देखा करो, वीडियो को समझा करो। इसमें मैं हर चीज़ आपको बताता हूँ, फिर भी आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछते हैं, व्हाट्सएप पे मैं बता तो देता हूँ आप लोगों को, मगर ये अच्छा शगुन नहीं है। जब आप लोगों की वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में और एक एक चीज़ में आप लोगों को समझाता हूँ, सिखाता हूँ प्रैक्टिकल, फिर भी आप जो है ना वो नहीं देखते वीडियो, तो फिर भाई जान आप साबुन का काम ना करें तो बेहतर है। तो अभी ये तीसरा राउंड है और हम ये मोटी जाली का ही लगा रहे हैं और तीसरा राउंड हम ये चला रहे हैं और इसके हम टोटल अभी सिलिकेट लगाने के बाद 3 राउंड करेंगे, मतलब तीसरा भी निकालेंगे, फिर चौथा भी इसको रिपीट करेंगे और फिर पांचवा भी इसी को हम रिपीट करेंगे। तो ये सारे राउंड जो आप जब आप लगाओगे तो आपका माल जो है ना अच्छी तरह मैच हो जाएगा, अच्छी तरह आपका माल ओके हो जाएगा और मतलब डंडा निकलने की कंडीशन में आ जाएगा। मोजिस नाजरीन, मेरे वाली नोडल में ना आपको मीडियम जाली लगानी है, ना मच्छर जाली निकालनी है, मोटी जाली से आप माल बनाते जाओ और साबुन बनाते जाओ और पैसे कमाते जाओ। आजकल टाइम का हर किसी के पास किल्लत है, तो अभी ये 3 राउंड मैंने मोटी जाली के लगा लिए उसी के सिलिकेट के बाद। तो अभी ये मैं मीडियम जाली लगा रहा हूँ, इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो हम परफ्यूम मिक्स करेंगे, आगे कटर लाजमी लगा लेना। कटर जैसे आप लगाते हो तो ये माल आपका जो ना अच्छी तरह मिक्स होता रहेगा और आपका साबुन बहुत अच्छा बनेगा, शाइनिंग भी आपकी बहुत अच्छी आएगी। तो ये माल मैंने डाला, आगे मीडियम जाली मैंने लगा दी हुई है और ये माल कट रहा है। और ये मैंने मशीन बनवाई थी आफाक साबुन वाला से, 6 इंच का प्लॉडर था, पहले आपने 5 इंच का देखा होगा। जी नाजरीन, ये अभी खुशबू हम डाल रहे हैं 250 ग्राम खुशबू हम डाल रहे हैं और इसको मिक्सर में मिक्स करेंगे। सिर्फ मिक्सर जो है यहाँ तक आपको यूज़ करना है, बाकी मिक्सिंग की मिक्सर की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आफाक साबुन वालों से मैंने ये मशीन ली है, बहुत ज़बरदस्त मशीन है, पावरफुल मशीन है। अगर मशीन भी किसी भाई को चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये मशीन तकरीबन 3.5 लाख की है, इसमें 28 इंच का वर्म है, 6 इंच का इसका जो है ना वर्म है और 28 इसकी लेंथ है और पूरे वर्म को वाटर टैंक लगा हुआ है और इसमें 10 हार्स पावर का जो इन्वर्टर लगा हुआ है और 5 HP की मोटर लगी हुई है, गियर मोटर। तो अगर किसी को चाहिए तो ये दे सकता हूँ मशीन। तो ये अभी लॉन्ग बार, शाइनी लॉन्ग बार, ये वो नोडल है प्यारे व्यूअर्स जो मैंने खुद की बनाई हुई है और मैंने ये मैं नोडल सेल भी कर रहा हूँ। अगर किसी भाई को चाहिए नोडल तो उसके लिए भी मैं सर्विस दे सकता हूँ। तो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई इसका TFM क्या है, ये pH क्या है, भाई pH इसकी जो है ना तकरीबन जो है ना वो 6 के करीब है नोडल की और TFM 78 है और 90-10 ये नेचुरल वाइट नोडल है। तो अभी ये बार कटिंग हो रही है, साबुन के छोटे छोटे पीसेस हम काट रहे हैं और इसके बाद हम इसको पंच करेंगे। तो जो भी नए व्यूअर्स मेरे चैनल पे आए, काइंडली वो सब्सक्राइब कर का बटन तोड़ दें और बेल की आइकन जो है ना वो लगा दें। अभी ये पंच हो रहा है, स्टार्टिंग में मेरे पास टाइम की किल्लत है तो इसीलिए मैं ये इसमें शॉपर लगा रहा हूँ, वरना आप 1 घंटा छोड़ के आप पंच करोगे तो आपका साबुन नहीं इसमें चिपकेगा। तो ये साबुन रेडी हो गया है, थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से साबुन की सफाई कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, साबुन आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। स्काइला इज़ माई ब्रांड,
ये अभी मैंने डाइट चेंज की है, ये साबुन में बना रहा हूँ 120 ग्राम का, मगर जो फार्मुलेशन मैंने कैलकुलेशन आपके लिए की हुई है वो 100 ग्राम की हुई है। और ये नंबर वन साबुन की क्वालिटी है, अच्छा फार्मूला है इसमें, ज़्यादा फिलर नहीं है और फिलर भी आप लगा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 120 ग्राम मेरा साबुन हो गया। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, ज़िंदगी ने साथ दिया, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दोस्त, आपका भाई इमरान शम्स मेहमान।